उगता है, सच की चोंच नोकीली है। सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है। फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है। हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है। सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। एक्साइटेड हूँ क्योंकि उदित नारायण जी हमारे देश के बहुत अच्छे गायक में से एक हैं और उन्होंने वो गाना गाया था पापा कहते हैं, तो वो गाने से ही मतलब कयामत कयामत पूरा हम लोगों ने एल्बम इतना सुना है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ऑफ द 90s। जो उन्होंने लगान में गाए वो गाने बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने ताल में गाए वो भी बहुत अच्छा था, और जो उन्होंने हम दिल दे चुके सनम में गाया था वो भी बहुत प्यारा था। उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट आवाज़ है उनकी। वो बोलते भी बहुत प्यार से हैं और जब भी वो बात करते तो ऐसा लगता है उनको देख के स्माइल करें। पर्सनली मुझे रीमिक्सेस और रीमेक्स नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उसके दौर पर जो गाने थे तो उसका चार्म उस ज़माने के लिए अच्छा था, क्योंकि वो चार्म वो वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भावना समझ में आती है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि लोग यहाँ पे ओरिजिनल गाने क्यों नहीं बना सकते। आज भी हमारे पीढ़ी में भी लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और लोगों को पता है कि ओरिजिनल म्यूज़िक में मतलब दम है, तो क्यों नहीं अपना कुछ ओरिजिनल निकालो। जिन्होंने बनाए वो लोग तो अपने खुद में ही बहुत ही टैलेंटेड थे, तो उनको हम रिस्पेक्ट दें उनका रीमिक्स करके। मैं तो सोचती हूँ अगर कोई भी रीमिक्स बनते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक ट्रिब्यूट होता है, लेकिन ज़्यादा ओरिजिनल्स होने चाहिए हमारे अब ज़माने में। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक एक्टर भी डांस सिंगिंग और ड्रामा में बहुत ज़्यादा निपुण हो, तो आई थिंक मैं भी सिंगिंग में ट्रेनिंग तो ले ही रही हूँ। तो पता नहीं एज अ देखो जैसे उदित जी हमेशा कहते थे, वो भी फिल्मों में एक्ट किए थे शुरुआत में और फिर बाद में वो सिंगर बने, और वो हमेशा कहते कि मैं एक सिंगर ही हूँ। इट्स बेटर टू बी फोकस्ड, तो अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग पर ही जोर और फोकस देना चाहिए। लेकिन सिंगिंग में क्या है कि आवाज़ खुलती है, अच्छे डायलॉग्स देने का मौका मिलता है आपको, तो उसके लिए आई थिंक इट्स नाइस टू लर्न। लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग उसमें बहुत रियाज लगता है, तो वो हर इंसान की बस की बात नहीं है। के उदित नारायण के गाने सुनिए और प्लीज़ उनको हमेशा सुनते रहिए। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.